नमस्कार दोस्तों, रमेश मंत्री चंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पढ़ाई में रैंक को बारे में। आप बात करते हैं इसको इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में अपने कुछ टिप्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जैसे हम अब टिप्स बता रहे हैं कि पढ़ाई करते समय अपन किस चीज़ को अपन ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई करते समय आपको जो मानसिक रूप है वो एकाग्र होकर आपका पढ़ना चाहिए आपको, कि आपको वहाँ पढ़ना चाहिए, आपके रूम के अंदर पढ़ना चाहिए, घर के अंदर जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ शोर शराबा ना हो, कोई ऐसी जगह वातावरण शुद्ध वातावरण हो, मतलब ऐसी जगह पढ़ना चाहिए आपको वहाँ किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, आपका मन एकाग्र होकर पढ़ाई करना है और ईमानदारी से पढ़ना है। नंबर दो, जो आप अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता कितनी है, अपने पढ़ाई करते समय आपकी बैठने की व्यवस्था क्षमता है वो एक घंटे की है या डेढ़ घंटे की है, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक घंटा पढ़ो, दो घंटा पढ़ो, उसके बाद में आप 10-15 मिनट का ब्रेक लो। और दोस्तों, ब्रेक आप 10-15 मिनट जो लेते हो पढ़ते वक्त मूड फ्रेश करने के लिए, उस वक्त आप पानी पी लो, घूम लो, इधर उधर टहल लो, लेकिन मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाना है इस वक्त, टीवी बिल्कुल नहीं देखनी। दोस्तों, तीसरा काम है स्टडी करने का टाइम टेबल बनाना, कि स्टडी ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्टडी करने का एक टाइम टेबल होता है कि अपन को इतने बजे उठना है, इतने बजे अपन सोना है, इतने बजे अपन फिजिक्स पढ़ना है, बायो पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, जो भी आपको पढ़ना है वो एक डिसाइडेड काम होना चाहिए कि मेरे को एक घंटा केमिस्ट्री पढ़नी है, दो घंटा मैथ पढ़नी है, वो पहले अपन डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। अब दिमाग में पहले वो डिसाइड करना था कि अपन को दो घंटा फिजिक्स पढ़नी है, तो पहले ये निर्धारित किया जाता है लक्ष्य से कि अपन को क्या करना है। दोस्तों, चौथा पॉइंट ये आता है कि अपना लक्ष्य डिसाइड करता है करना, लक्ष्य डिसाइड करना, उसमें अपना क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, किसी को IIT बनना है, किसी को मेडिकल में जाना है, किसी को IAS बनना है, किसी को SP बनना है, किसी को पटवारी बनना है, किसी को वेट में जाना है, किसी को क्या करना है, अपना एक लक्ष्य जो होता है उस लक्ष्य के आधारित अपने काम करना। आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया कि मुझे मास्टर बनना है, उनके लिए अपनी कितनी पढ़ाई करनी है, कितने क्या करना है, सारी अपने एक्सरसाइज सॉल्व करना है, जो भी करना है वो लक्ष्य के आधारित हमको काम करना चाहिए। दोस्तों, एक पढ़ाई करते हैं उनकी जो टिप्स है, कैसे जो टाइम टेबल है वो हमेशा आपके पास रखना है, आपके पास एक पढ़ाई हमेशा शुद्ध वातावरण मतलब अपने रूम के अंदर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, शोर शराबा ना हो। और दोस्तों, एक और बात करूं, प्रैक्टिस पढ़ाई में जितना महत्वपूर्ण होता है प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, प्रैक्टिस करना मत भूलो, प्रैक्टिस करना मत भूलो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपके रैंक में फायदा मिलेगा, आपको अच्छे नंबर आएंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अपन पढ़ लेते हैं उसके बाद अपन सोचते नहीं है कि भाई क्या है, तो फिर पेपर के अंदर पेपर देते हैं, नंबर कम आते हैं, फिर बच्चा डिप्रेस में आ जाता है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं। तो वहाँ साधारण सा कारण ये है कि आपने पढ़ाई तो की है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आपको और ईमानदारी से पढ़ना आपको, जितना पढ़ाई करो ईमानदार से पढ़ो, आपका माइनर पेपर है, टेस्ट पेपर है, जो भी आपका पेपर है वो क्लास के अंदर आप देखते हो, घर में जाके चेक करो, रूम पर जाके चेक करो कि आपने आज कहाँ कहाँ गलती करी, उस गलती को दोबारा रिपीट ना करें,
क्या गलती की है, क्या आपने सिली मिस्टेक की है, वो डाउट काउंटर पे आकी कुछ डिप्रेस में नहीं आना बिल्कुल। मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं उनके आधार पर आप काम करो, अभी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। धन्यवाद दोस्तों।